हमें बताइए क्या कैसा लग रहा मसाला? टेस्टी लग रहा है, देखने से भी। और खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए अब ये मसाला ये है, जब ये सांभर में डलेगा तो सांभर में कितनी खुशबू आएगी, कितना टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए होममेड है सांभर मसाला। हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल मम्मू एंड दीपा व्लॉग्स। और सबसे पहले मिलिए हमारे घर के न्यू मेंबर्स से, हमारे फिश से। और हमने इनका कोई नाम नहीं रखा है अभी तक, हाउएवर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सबके सब। और जब भी हम इनके पास जाते हैं तो ये हमसे मिलने आती हैं, और आपको हम एक वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे कि जब ये हम जाते हैं और कैसे ये सब एक साथ आके हमें ग्रीट करती हैं। दीपा का गमला है ले जाने का, जो वहाँ पर लगाती है, तो इसमें मैंने गेंदे का पेड़ लगवा दिया है। तो अभी ये नीचे रखा था, मैं नीचे गई थी, सूख गया था बिल्कुल, तो आके पानी डाला, देखो फिर हरा हो गया है। ये दीपा अपने वहाँ पे लगाएगी, एक करी पत्ता, एक ये, एक मनी प्लांट, तीन पेड़। अभी मैंने किचन में रखा हुआ है, मैं लेके जाऊँगी से भी। कोई भी सब्जी 5-6 सीटी तक ही बनाती हूँ मैं, जैसे घिया है, तोरी है, अरबी को छोड़ के, बैंगन 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 भी नहीं, गोभी भी नहीं। गोभी बहुत से लोग कुकर में बनाते होंगे, तो मैं जब गोभी कुकर में बनाती हूँ तो उसमें विसल नहीं आने देती। एक बार तो हल्का सा लगेगा जैसे भाई हाँ उसमें स्टीम बन रही है, तभी गैस बंद कर देती हूँ मैं। फिर उसमें थोड़ी देर खोल के बनाती हूँ, तो आपको जो वो बनता है ना, वो जैसे डायरेक्ट उसमें बनते कढ़ाई में फ्राई सब्जी बनती है, उस तरह से मैं कुकर में बना लेती हूँ। और बाकी सब्जी का वही है जैसे लोग बनाते हैं, वही सब्जी मैं दिखाती हूँ आपको। सब्जी ये देखिए मेरा खाफ्तान कैसा लग रहा है। एक ये कलर का है, एक इसमें रानी कलर है, ये वाला इसमें ये ग्रीन है, तो वो रानी है। सेम दो हैं मंगाई हैं मैंने, दो क्या तीन है, एक काफ़ी बड़ा है रेड कलर में। अब गर्मी गर्मी यही कपड़े पहने जाएंगे घर में, मेरे को ये अच्छे लगते हैं, थोड़ा खुला खुला रहता है ना, तो थोड़ा सांस लेने में थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है इसमें। जल्दी मिलती सब्जी बनाने के बाद, सब्जी दिखाऊंगी मैं आपको कि सब्जी कैसी बनी। चलिए फिर रानी को आज मैंने बनाई है ये कढ़ी, ये देखिए ये मैंने कढ़ी बना ली है, ये बन चुकी है कढ़ी। और आलू वाली कढ़ी है, ये चावल हैं, ये देखिए कितने बढ़िया चावल है, बड़ा बड़ा चावल, एक एक खिला हुआ चावल है। और मैं लगा रही हूँ तड़का, इसमें मैंने डाल दिया है ये रिफाइन डाल दिया है, वैसे सरसों का तेल भी डाल सकते हो आप। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मेथी, क्योंकि कढ़ी में मेथी का तड़का लगता है, उसी से ये स्वाद बनती है, टेस्ट में फर्क आता है। अब देखिए मैं इसमें डालूंगी हींग, दो पीस हींग डाल दिया, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर की होगी। ये है एक छोटी प्याज और 5-6 कली लहसुन की हैं, जो मैंने काट लिया है, रफली चॉप कर लिया है। और ये देखिए मैं इसमें डालूंगी प्याज और लहसुन, ये मैंने डाल दिया है। और इसमें एक मन टमाटर लिया है, ये देखिए ये हो गई है लहसुन और प्याज, थोड़ा और हल्का और भून लेती हूँ, ये कच्ची कच्ची लगेगी प्याज। और ये देखिए मैंने टमाटर काट दिया है, और ये मैं डाल दूँगी इसमें, ये देखिए टोपी होगी। ये देखिए मैं इसे टमाटर भी कर लेती हूँ, और इसमें मैं मैंने कड़ी पत्ता डाला है। और ये मैं देखिए आलू की कड़ी बनाई है, पकौड़ी का तेल तेल हो जाता है, तो मैं देखिए आलू डाली हूँ, ये आलू कड़ी बनाई है। कड़ी चावल टेस्टी सही से रंग बिरंगी कलरफुल है, देखो हरी ग्रीन है, हरा ग्रीन हरी होते एक ही हो गया, देखिए लाल हरा पीला सफ़ेद, कितने सुंदर सुंदर कलर हैं कढ़ी और चावल के। ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए चावल, कढ़ी चावल, आलू की कढ़ी है और चावल है। चलिए
तो यहाँ पे पापा आ गए हैं बैंक से, और सबसे पहले पापा आते ही मिलते हैं मछलियों से और मछलियों को डालते हैं दाना। उसके बाद पापा आके फ्रेश होते हैं और फिर पापा करते हैं पूजा। तो ये है कि पापा कभी अपना रूटीन नहीं छोड़ते हैं। आशीवन मैसेज ना करे, नहीं और कितना टाइम हो रहा है अभी? रात के ना। 8 बज रहे हैं, तो इतने बजे तक क्या करती हो? और ये है नेक्स्ट डे, मम्मी कर रही है सांबर मसाले की तैयारी आपकी स्पेशल डिमांड पे। मम्मी बना के दिखाएंगे होममेड सांबर मसाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना, ठीक है। और मेरे से ना बहुत लोगों ने बोला है कि आंटी आप सांभर मसाला दिखा दो एक बार बना के। तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना के दिखाऊंगी, तो उसी हिसाब से फिर आप उसको मसाले को बढ़ा सकते हो। जिस हिसाब से मैं बताऊंगी उसी से आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए, मैं सांभर मसाला बनाने के लिए लेके आ गई हूँ आपके पास में ये देखिए, ये 5 चम्मच जीरा है, जो हमारे खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 5 चम्मच जीरा है। और 3 चम्मच ये मेथी है, 3 चम्मच ये, और ये 3 चम्मच ही राई है, और 3 चम्मच इसमें चने की दाल है, 3 चम्मच इसमें उड़द दाल है, और ये 2 चम्मच इसमें अरहर दाल है, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें काली मिर्च है, और ये देखिए ये 4 चम्मच है चावल, और ये छोटी कटोरी होती है जो आधी कटोरी धनिया है, साबुत धनिया, और ये 8 से 10 है साबुत मिर्ची, और ये हींग है, और ये हल्दी है, और ये है करी पत्ता। इसका प्योर अगर मसाला बनाना है, घर का मसाला, होममेड मसाला बनाना है, तो आप इस तरह से बनाइए मसाला। देखिए आपका सांभर की वो जो जान आ जाएगी, सांभर के अंदर जो जान आती है ना, जो साउथ इंडियन सांभर के अंदर होती है, वो आ जाएगी। तो देख लीजिए फिर से दोबारा से, ये मसाला है, और ये सारा मसाला, ये पूरा जीरा हटा के, जीरा हटा के ये सारा पूरा हल्की गैस पे रोस्ट करना है। फिर लास्ट में ये चावल भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है। खाली जीरा हटाना, जीरा जल जल जाता है, काला हो जाएगा, तो मसाले का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जीरा हटा के सारा मसाला पूरा ये हल्की उस पर गैस पे रोस्ट करना है, सेकना है, ज़्यादा भूनना भी नहीं है, सेकना है। उसके बाद में फिर ये जीरा डालना है, जीरा डालने के बाद ये देखिए जीरा डालना है, और जब ये पूरा मसाला रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसे ठंडा करके पीसना है। करी पत्ता भी साथ में डाल के रोस्ट करना है। देखिए करी पत्ता है, ये मैंने धो के और सुखा दिया है इस तरह से। ये हमारे घर का करी पत्ता है, ये धो के मैंने सुखा दिया है। ये भी इसके साथ ही मतलब रोस्ट करना है। जब ये सारा भुन जाएगा मसाला, बस खाली जीरा थोड़ा लास्ट में डालना है, लास्ट में इतनी हमें गैस, तब जीरा डालना है। फिर ये पूरा मसाला ठंडा करके इसे पीसना है। पीसने के बाद में इसमें ये इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा 1/4 चम्मच हींग डालना है, और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, और 1 चम्मच इसमें नमक डाल देना, थोड़ा टेस्ट हो जाता है नमक से। और ये आप ये कहोगे आंटी ये दाल और चावल ये थिकनेस के लिए होता है, टेस्ट बढ़ाता है उससे। हर तरह की दाल और चावल बोल रहे होंगे कि आंटी ये भी डालते हैं कि ये सब डाला जाता है। और इस तरह से आप मसाला बना के देखना, बहुत अच्छा मसाला बनेगा। बाजार के मसाले में पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है, लेकिन ये आप खुद अपने आप बनाना और देखिए। चलिए फिर मैं ये रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ, फिर मैं पीस के दिखाऊंगी मसाला मेरा किस तरह से बना है। लेने जाओगे आप, इतना सा मसाला 80 रुपये का मिलता है। अभी मैंने कश्मीरी मिर्च मंगाई थी, 80 रुपये का छोटा पैकेट मिला है, तो बहुत महंगा है मसाला। और इस तरह से आप घर में बनाओगे, घर में सब चीज़ें होती है, दालें भी होती हैं आपके पास में, जीरा भी है आपके पास में, मेथी भी है आपके पास में, काली मिर्ची भी है, राई भी है, ये सारी चीज़ें आपके पास। अगर आप ये सोचते हो कि आंटी साबुत मिर्ची और धनिया हमारे पास नहीं मिलेगा, तो आप ये पिसा हुआ भी डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो साबुत है, ये मेरे पे साबुत था तो मैंने साबुत रख दिया, बाकी पिसा हुआ भी आप मसाला डाल सकते हो। जिस टाइम पीसोगे उस टाइम सब ये पिसा हुआ मसाला आप डाल सकते हो। जैसे मैं हल्दी डाल रही हूँ पिसी हुई, नमक भी पिसा हुआ डालूंगी, ऐसे ये चीज़ भी आप पिसा हुआ डाल सकते हो। ये है सांभर मसाले का पूरा सामान, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये सोचना है भाई थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, बार बार कौन बनाएगा, तो इसकी क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा देना। ये है सांभर मसाला। चलिए फिर मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में इसका पूरा बना के किस तरह से गर्म फ्राई करने के बाद। इसे रोस्ट करना है सूखा, कोई ना इसमें तेल तेल वेल कुछ नहीं डालना है,
हल्की गैस पे सूखा रोस्ट करना है। चलिए बाय। मैं मसाला बिल्कुल सूखा रोस्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया है और खाली ये जीरा मैंने देखिए इसमें छोड़ दिया था। ये जीरा जब थोड़ा ही रोस्ट हो जाएगा ना तब मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए उसमें खांसी हो रही है, ये देखिए ये रोस्ट हो गया है, इसमें अच्छी हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। देखिए तैयार है मसाला यहाँ पे भून के, देखिए तैयार है। अब मैं डालूंगी इसमें अब जीरा भी डाल के भून लूंगी। अगर मैं जीरा पहले डाल देती तो जीरा काला हो जाता। रुक गए अब आ जाए। तो ये देखिए अरे देखिए रम आ गई है। ये भून चुका है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ गैस को और इस मसाले को मैं करूँगी ठंडा। और जब इसमें पीसूंगी, पीसते टाइम मैंने बताया था इसमें आप मैंने ½ चम्मच मैं इसमें डालूंगी हींग और इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच ही नमक डालूंगी। नमक मतलब आता है पिसा हुआ नमक, वो गर्म में नहीं डालूंगी, गर्म में डालूंगी तो वो नमक पानी छोड़ देगा, इसलिए ठंडा होने के बाद ये पूरा मसाला हमें पीसना है। ये देखिए ये मसाला मैंने भून के तैयार कर दिया है, अब मैं इसे करूँगी ठंडा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पीसते मसाला। चलिए देखिए मैं डाल दी ये मसाला पूरा ठंडा हो गया है। देखिए इसमें मैंने आधे चम्मच हींग डाल दिया है, इसमें मैंने आधे चम्मच हींग डाल दिया है और इसमें ये देखिए 1 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने, अंदाजा सा 1 चम्मच है ये कांच की, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगा। नमक से ना मसाला खराब नहीं होता। हल्दी देखिए मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए ये सांभर मसाला बनकर तैयार है और थोड़ा सा हल्का सा और पीसना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, नहीं तो इसे छान भी सकते, छान के पी कर लेना। ये देखिए मसाला पीस चुका है, बिल्कुल बारीक हो गया है इस तरह से। मेरी जमा भी कह रही है क्या ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आंटी। इसमें देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे ये काम कर रही है। रमा भी कह रही है कि आंटी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल सांभर जैसी खुशबू आ रही है। और ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है ये मसाला। हाँ आ रही है ना। हाँ रमा बताइए क्या कैसा लग रहा मसाला? टेस्टी लग रहा देखने से भी और खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ देखिए अब ये मसाला ये है, जब ये सांभर में डलेगा तो सांभर में कितनी खुशबू आएगी, कितना टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए होममेड है सांभर मसाला, जिस तरह से मैंने ये बनाया उस तरह से बना के देखिए। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, आप ज़्यादा बना के बढ़ा सकते हो उसी चीज़ को। तो ये देखिए सांभर मसाला बनकर तैयार है और आप भी घर में बना के चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, पैसा बचाइए और चीज़ों को घर में बना के फ़ायदा उठाइए। प्योर घर में प्योर चीज़ बनाइए इस तरह से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। क्योंकि बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, इग्नोर कर देना क्योंकि काम चल रहा है। ओके बाय।